आज की इस वीडियो में आप देखेंगे जो गियर ब्लैंक होता है, तो गियर ब्लैंक का ऊपरी हिस्से पे हम ब्रॉन्ज का कवर चढ़ा देते हैं, जिससे जो टीथ बने वो ब्रॉन्ज के बने और टीथ का जो मैशिंग वाला पोर्शन हो वो ब्रॉन्ज का रहे, और अंदर जो गियर ब्लैंक है आपका वो कास्ट आयरन या स्टील का हो सकता है। तो आप यहाँ पर रखा हुआ देख सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस हम समझते हैं। सबसे पहले आपने ये देखा ब्रॉन्ज का स्क्रैप है ये, और इस स्क्रैप को अब जो फर्नेस है उसमें डाला जाएगा। ये इसमें पाउडर मिलाया जा रहा है और ये बेसिकली जो एक एडिटिव है जो कि इसमें इम्प्योरिटीज़ होंगी उन इम्प्योरिटीज़ को अलग करता है, स्लैग बन जाता है ऊपर जब मेल्ट होता है, तो और स्लैग को बाद में हम रिमूव कर लेते हैं। ये जो क्रूसिबल है उस क्रूसिबल में आपने जो ब्रॉन्ज का पाउडर है, ब्रॉन्ज का स्क्रैप है, उसको डाल दिया है, और इसमें कोल फायर्ड रहता है, ये अंडरग्राउंड फर्नेस है, और कोल को बर्न करते हैं और नीचे से इसमें एयर सप्लाई करते हैं, बेसिकली ब्लोअर का पूरा सिस्टम लगा रहता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से मोल्ड बनाया जाता है। ये ग्रीन सैंड है, ग्रीन सैंड एक मोल्डिंग बॉक्स में रखा हुआ है, और अब हम पैटर्न के लिए स्पेस बना रहे हैं। ये आपका पैटर्न है, इस तरह से इसको कर दिया रहा। ये बेसिकली रेफरेंस वाला मोल्डिंग बॉक्स है, और ये देखिए ये अंदर वाला पोर्शन है, इसके ऊपर बाहर वाली जो रिंग है, ये बाहर वाली रिंग की बेसिकली कास्टिंग इसमें की जाएगी और ये बाहर वाली रिंग बनाई जाएगी आपकी ब्रॉन्ज की। और ब्रॉन्ज का करते क्यों हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि इसके स्पेसिफिक एडवांटेज होते हैं। जो ब्रॉन्ज है उसका बियर रेजिस्टेंस अच्छा होता है, कोरोजन रेजिस्टेंस भी अच्छा होता है। तो पूरा ब्रॉन्ज का इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि ब्रॉन्ज की जो कॉस्ट है इट इज़ मच हायर देन दैट ऑफ यू नो स्टील और कास्ट आयरन, करीब 4 से 5 गुना कम से कम ज़्यादा होती है। तो उसकी कॉस्ट, यदि ब्रॉन्ज का पूरा गियर बना देंगे तो हर किसी के लिए ख़रीदना अफोर्डेबल नहीं होगा, इसलिए इसमें ऊपर वाला हिस्सा ब्रॉन्ज, और ये पार्टिंग सैंड डाला जा रहा है, और पार्टिंग सैंड बेसिकली अलग करने के लिए होता है। सबसे पहले नीचे आपने रेफरेंस वाला बना लिया, और रेफरेंस के बाद ये फिर दूसरा मोल्डिंग बॉक्स है। दूसरे मोल्डिंग बॉक्स में आप ये ग्रीन सैंड डाल रहे हैं, और ग्रीन सैंड डालने के लिए आपका जो नॉर्मल सैंड आता है, और नॉर्मल सैंड में आप मोलासेस मिलाते हैं। मोलासेस बेसिकली एक शुगर केन का प्रोडक्ट होता है, और मोलासेस एज अ बाइंडर का काम करता है, मतलब इसमें जो मॉइस्चर है वो भी मोलासेस की वजह से है, प्लस ये जो सैंड के पार्टिकल्स हैं इनको एक दूसरे से बांध के रखता है। देखिए मोलासेस का कुछ फिक्स रेशियो नहीं रहता है, मोलासेस डिपेंड करता है कि आपके मोल्डिंग बॉक्स कितने बड़ा है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा कास्टिंग करना होगा तो मोल्डिंग बॉक्स भी बड़ा होगा, मोल्डिंग बॉक्स बड़ा होगा तो उसको होल्ड करने के लिए, मतलब बड़ी कास्टिंग को होल्ड करने के लिए आपके सैंड के पार्टिकल्स के बीच में बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए, तो उस केस में आप मोलासेस का थोड़ा रेशियो ज़्यादा रखते हैं, छोटे मोल्डिंग बॉक्स होते हैं उसमें थोड़ा कम रखते हैं। ये आपने देखा, ये नीचे वाला जो रेफरेंस था उसको उल्टा कर दिया, उल्टा करने के बाद ये ऊपर जो रखा था आपने ये दिख रहा है यहाँ पे, और ये हाफ पोर्शन बोलें ये रेडी हो चुका है, और इसके ऊपर फिर आपने पार्टिंग सैंड डाल दी। इसके ऊपर दूसरा मोल्डिंग बॉक्स आप रखेंगे, ये दूसरा मोल्डिंग बॉक्स रख दिया, और इस पर फिर दोबारा से आप मोल्डिंग सैंड है जो कि ग्रीन सैंड कहलाता है इसको आप डाल रहे हैं, और इसको डालने के बाद इसमें रैमिंग की जाती है। रैमिंग का मतलब इसको दबाया जाएगा अच्छे से, ये पैर से रैमिंग कर सकते हैं, टूल भी आता है रैमिंग का। तो ये तैयार हो चुका है आपका, ये दोनों मोल्डिंग बॉक्स तैयार हो चुके हैं, दोनों मोल्डिंग बॉक्स मिलके एक कास्टिंग आपका बनाएंगे। ये इन्होंने स्पेस कर दिया उसके जो रनर और राइजर है उसके लिए, जब आप पोर करेंगे तो इसमें फिल हो जाएगा, इस तरह से पूरा कैविटी बन चुका है। हाँ ये डिस्क निकाली, ये डिस्क वाला पोर्शन है, इसमें ब्रॉन्ज की कास्टिंग करते हैं बेसिकली। अभी आपको पूरा सेट पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा क्या मतलब होता है इसमें। ये फर्नेस है, और फर्नेस में ये ऊपर जो रखे हुए हैं ये बेसिकली अंदर रख डाला जाता है ना, और इसके ऊपर ब्रॉन्ज का कोटिंग नहीं बोलना चाहिए, ब्रॉन्ज का प्लेट चढ़ाया जाता है। ये फर्नेस है, इसको मूज फर्नेस बोलते हैं, अंडरग्राउंड में है ये, और आप देख सकते हैं ये फायर है, और ये आपका पकड़ने का टोंग है, ये आपके फाउंड्री कास्टिंग में यूज़ होते हैं।
जो अंदर रखा जाता है उसको भी गर्म किया जाता है, जिससे यूनिफॉर्मली दोनों चीज़ें की कूलिंग हो और अच्छे से जो ब्रॉन्ज है वो चिपक जाए उससे, कास्ट आयरन है स्टील से। ये कोल फायर्ड है, नीचे से इसमें एयर ब्लो कराई जाती है, इसलिए आप देख रहे हैं लौ ऊपर की तरफ जा रही है। अब ये देख सकते हैं मोल्डिंग बॉक्स रेडी हो रहे हैं और इसमें वो डाला जाएगा जो मोल्टन मेटल है, मोल्टन ब्रॉन्ज है। ये बीच में आपने रख दिया है, इसके ऊपर है ना, इसके ऊपर आपका मोल्टन ब्रॉन्ज डाला जाएगा। ये इस तरह से पूरा रेडी हो चुका है। ये हाफ पोर्शन है, इसके ऊपर दूसरा मोल्डिंग बॉक्स रख दिया जाएगा और उसके बाद मोल्टन मेटल इसमें पोर की जाएगी। ब्लोअर से आप पार्टिंग सैंड को रिमूव कर रहे हैं। पार्टिंग सैंड बेसिकली क्या होता है कि ज़मीन में स्टिक ना हो, दोनों मोल्डिंग बॉक्स हैं वो एक दूसरे से चिपके नहीं, उसके लिए हम पार्टिंग सैंड का यूज़ करते हैं। अब ये पार्टिंग सैंड को अलग रिमूव किया जा रहा है क्योंकि पार्टिंग सैंड जिससे आपका कास्टिंग में नहीं जाए, जो कास्टिंग आपकी बनेगी। ये ब्लोअर है, अब बेसिकली हवा से जो आपका पार्टिंग सैंड है उसको रिमूव कर रहा है। ये देखिए किस तरह से इसको रखा जा रहा है, मतलब दो अलग अलग जो पोर्शन थे उनको एक बना दिया है और ऊपर आप सेटअप देख रहे हैं मोल्टन जो पोर करने के लिए। ये जो गरम करके आपके वर्क पीस है उसको रखा जा रहा है अंदर। ये सारे गियर ब्लैंक हैं, मतलब इनके ऊपर टीथ कटे जाएंगे, मतलब अभी जो गियर ब्लैंक रेडी हो चुके हैं, रेडी होने के बाद ये हॉबिंग मशीन पे जाएंगे और वहाँ पे इसके टीथ कटिंग होगी। और टीथ जो कटिंग होती है बेसिकली वो ब्रॉन्ज वाले पोर्शन में ही होती है। तो ये एज अ मतलब हैं तो आयरन और आपका ब्रॉन्ज का मिक्सचर, लेकिन ये एज अ ब्रॉन्ज गियर काम करेंगे है ना, और पूरा ब्रॉन्ज का बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ेगी। ये फर्नेस आप देख रहे हैं किस तरह का सेटअप रहता है, रेक्टेंगुलर फर्नेस है और इसमें अंदर ये करीब 3 से 4 फीट 5 फीट तक गहरी होती है। तो एज अ ब्रॉन्ज के गियर काम करते हैं वो। ये आपने क्रूसिबल निकाल लिया, देख सकते हैं ये ऊपर टोंग है जिससे आपने पकड़ा हुआ है, और क्रूसिबल निकालने के बाद अब इसमें पोरिंग की जाएगी जो आपने मोल्ड बनाया है। ये स्लैग जो इम्प्योरिटीज हैं, आपने स्टार्टिंग व्हाइट पाउडर डाला था उससे जो इम्प्योरिटीज हैं वो स्लैग कहलाता है। ये स्लैग बन चुका है और स्लैग का जो डेंसिटी होती है वो हल्का होता है आपका ब्रॉन्ज से, इसलिए वो ऊपर आ जाता है और ऊपर से इसको इस तरह से रिमूव कर लिया जाता है। ये क्रूसिबल रिफ्रैक्टिव मटेरियल का होता है जो कि बहुत ज़्यादा हीट को बियर कर सकता है। ये देख सकते हैं पोरिंग की जा रही है, ऊपर थोड़ा वेट रख देते हैं जिससे ये हिले डुले नहीं। इस तरह ये वीडियो कंप्लीट होता है। सो आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माय चैनल बिकॉज कमिंग टाइम में मैं कुछ और इस तरह के वीडियोस अपलोड करूँगा। सो थैंक यू।